मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें ज़रूर कुछ बात है जो हम सबके सामने नहीं है अभी, और वजह ज़रूर कोई बड़ी है, क्योंकि मैं खुद जैन जी की प्रत्याशी होने वाली थी। उन्होंने मेरा नाम दिया था अखिलेश यादव जी को। तो हमारा जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर आप सबने पिछली बार माननीय सांसद जी को 90-90% वोट देकर, बहुत वोट देकर उन्हें सांसद बनाया था, इस आस में कि वो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे। और उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी, डबल इंजन की सरकार की ताकत थी, ऊपर भी उनकी सरकार, नीचे भी उनकी सरकार। वो चाहते तो हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी योजनाएं आ सकती थी, संस्थान आ सकते थे, जो अभी मौजूद नहीं है। और बिना मांगे अपना वोट किसी को मत दीजिए, क्योंकि अगर इस टाइम भी आपके बीच कोई मांगने नहीं आ रहा है तो बाद में तो ना आपकी कदर होगी, ना आपकी किसी काम की कदर होगी। पश्चिमी यूपी की कैराना लोकसभा सीट 2019 में हॉट थी और इस बार भी हॉट है। पिछली बार यहां बीजेपी ने पलायन को मुद्दा बनाया था, इस बार सपा की इकरा हसन ने बीजेपी सांसद के पूरे 5 साल पलायित रहने को ही मुद्दा बना दिया है। वैसे इस चुनाव में इकरा हसन अपने आप में एक मुद्दा बन गई है। कैराना के दिग्गज नेता रहे मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन को लेकर पूरी यूपी में चर्चा हो रही है। लंदन से पढ़कर लौटी इकरा हसन ने पहले विधानसभा के चुनाव में अपने भाई के लिए प्रचार का जिम्मा संभाला और जेल से ही चुनाव जिता दिया, और अब खुद लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर गई हैं। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इकरा कैसे और किन मुद्दों पर कैंपेन कर रही हैं। जब देर रात हमने इकरा का कैंपेन फॉलो किया तो देखा कि वो हिंदू मुस्लिम और पलायन के मुद्दे वाले कैराना में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही हैं। वो बात कर रही हैं 36 बिरादरियों के साथ आने की, और प्रचार कर रही हैं उन जाट इलाकों में जो या तो बीजेपी का कोर वोटर है या जैन चौधरी के आरएलडी का सहयोगी। ढोल तासे के बीच पुरुष प्रधान इलाके में इकलौती महिला बड़े ही मुस्कान के साथ लोगों के साथ मिल रही है। कहीं लोग उसे घेर लेते हैं तो कहीं बूढ़े उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इकरा कोई सरकार हटाने की बात नहीं कर रही है, वो दुख सुख में घर में आने की बात कर रही है। बात अपने पिता को मिले प्यार की कर रही है और बात एक साथ रहने की कर रही है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें ज़रूर कुछ बात है जो हम सबके सामने नहीं है अभी, और वजह ज़रूर कोई बड़ी है, क्योंकि मैं खुद जैन जी की प्रत्याशी होने वाली थी। उन्होंने मेरा नाम दिया था अखिलेश यादव जी को। तो मैं यहाँ पर, हमारा जो गठबंधन था और जो बार डिस्कशन ये हुआ था कि सिंबल उनका रहेगा और प्रत्याशी मैं समाजवादी में हूँ, तो लेकिन मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करके, तो इस तरह के की तालमेल की बात हुई थी। तो मुझे पर्सनली बहुत बड़ा झटका भी लगा था, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही हमारी ये बात हुई थी और एक हफ्ते के अंदर ही इतना बड़ा फेरबदल, हमने उम्मीद नहीं लगाई थी। तो उस अगर मैं खुद की सोच का आपको बताऊं, मुझे इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फैक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा दबाव बनाती है और तरह तरह के दबाव बनाती है, किसी पे ईडी भेजकर, किसी पे सीबीआई भेजकर ये विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी इसका जो लिंक है वहीं से जुड़ा हुआ है, किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है और उसी के तहत ये हजम होने वाला गठबंधन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हमेशा किसानों की, कमेरों की और जो कतार में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसकी बात रखते हैं, और भाजपा उसके बिल्कुल विपरीत करती है। तो ये हजम होने वाला गठबंधन तो नहीं लगता है हमें, और वही है बात, धरातल पर भी दलों का मेल है, दिलों का मेल नहीं है। कैराना का चुनाव किसी किराने की दुकान की तरह लग रहा है, अलग अलग बिरादरियों का वोट है और गुजर मुस्लिम कॉम्बिनेशन वाली इकरा को उम्मीद है कि जाट भी उनके साथ आ जाएंगे। जब हमने पूछा कि जैन चौधरी तो साथ नहीं रहे तो अब कैसे वोट मिलेगा, इस पर इकरा कहती हैं, दल तो मिले हैं, जाटों के दिल उनके साथ हैं। यहाँ पर आप सबने पिछली बार माननीय सांसद जी को 90-90% वोट देकर, बहुत वोट देकर उन्हें सांसद बनाया था, इस आस में कि वो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे। और उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी, डबल इंजन की सरकार की ताकत थी, ऊपर भी उनकी सरकार, नीचे भी उनकी सरकार। वो चाहते तो हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी योजनाएं आ सकती थी, संस्थान आ सकते थे, जो अभी मौजूद नहीं है। लेकिन पूरा 5 साल का कार्यकाल उन्होंने गंवा दिया। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ,
कि आप लोग सब जागरूक हैं, बड़े हैं हमारे, आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमारे क्षेत्र को आज किस चीज की जरूरत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा जो हुए हैं बदलाव के लिए हुए हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था जब बिगड़ जाए तो उसमें सुधार लाने के लिए बदलाव जरूरी है, और ये बदलाव का ही चुनाव है, हमारे क्षेत्र के लिए बदलाव का चुनाव है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने वोट की कीमत को समझिए और बिना मांगे अपना वोट किसी को मत दीजिए, क्योंकि अगर इस टाइम भी आपके बीच कोई मांगने नहीं आ रहा है तो बाद में तो ना आपकी कदर होगी ना आपके किसी काम की कदर होगी, और वही हाल हमारे इस पूरे क्षेत्र का हुआ है। हम अगर सिर्फ एक चेहरे पर वोट देंगे, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट देंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट देंगे, तो वो नहीं आएंगे हमारे बीच में काम करने। यहाँ का काम यहीं के लोग करेंगे, यहीं के आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि करेंगे, तो उनका सही चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग हो जो कम से कम आपके बीच में आए, आपके सुख दुख में आए, आपकी बात को, आपकी समस्याओं को संसद में उठा सके। आप सबने पहले भी मेरे पिताजी को यहां से बहुत अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनाया आपने, और उन्होंने आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज उन्हीं ताल्लुकात के बलबूते पर मैं यहाँ आपके बीच खड़ी हूँ और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें मुझे आपके सबके साथ की जरूरत है। इकरा 36 बिरादरी की बात कर रही है तो हमने वहाँ मौजूद जाटों से पूछा कि क्या इस बार साथ मिलेगा। लेकिन जयंत चौधरी से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लोग जयंत के साथ थे कि नहीं कभी? हाँ जी थे, अब भी हैं, उनके साथ अब भी हैं। जयंत के साथ हैं लेकिन यहाँ विरोध में हैं। कैंडिडेट अच्छा नहीं है जी, ये आया ही नहीं कभी यहाँ पे, तो सारी नाराजगी कैंडिडेट के खिलाफ है। कैंडिडेट के खिलाफ है जी, प्रदीप चौधरी आए नहीं कभी यहाँ पे। तो यहाँ के जाटों का मूड क्या है? इकरा हसन को वोट देने का है ज्यादातर। कराना में इकरा लगातार प्रचार कर रही है, पहले ही फेज में इकरा के लिए चुनाव है। जयंत चौधरी की कमी तो उन्हें खल रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए वो पूरा जोर लगा रही है। देखने वाली बात ये कि क्या इकरा की सौम्यता और दुख सुख में रहने की बात सबको भाती है या पलायन का मुद्दा चल जाता है। इसका फैसला तो 4 जून को होगा। कराना से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।